नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही मेरी पहचान है गर याद रहे। हम बात कर रहे हैं स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर के बारे में। हिंदुस्तानी फिल्म संगीत की सबसे पॉपुलर आवाज लता मंगेशकर। लग जा गले के फिर हसी रात हो न हो, शायद फिर से जन्म मुलाकात हो न हो। यूं तो लता मंगेशकर जी की आवाज के बारे में जो कहा जाए वो कम है, लेकिन कुछ किस्से याद आते हैं। जब उन्होंने गाना गाया था ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, और इस गाने को सुनने के बाद पंडित नेहरू की आंखों में भी आंसू आ गए थे। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। लता मंगेशकर को बचपन में हृदय या हेमा नाम से पुकारा जाता था, लेकिन फिर लता उनका नाम रखा गया। यूं तो बचपन से ही संगीत की शिक्षा उनके घर में ही शुरू हुई। उनके पिता मास्टर दीनानाथ मंगेशकर उन्हें घर में ही संगीत की शिक्षा देते थे और खुद एक ड्रामा कंपनी चलाते थे। लेकिन समय के आगे किसकी चली है, दीनानाथ मंगेशकर जी के स्वर्गवास के बाद सारी जिम्मेदारी घर की बड़ी बेटी लता मंगेशकर पे आ पड़ी। बचपन से ही लता मंगेशकर अपने पिताजी के नाटकों में काम करती थी और इस वजह से उन्हें फिल्मों में एक्टिंग करने का मौका भी मिला। लेकिन नन्ही सी लता एक्टिंग नहीं करना चाहती थी, उन्हें अपने चेहरे पर मेकअप लगाना बहुत ही खराब लगता था। और एक बार शूटिंग से घर वापस आते ही वो जोर जोर से रोई और अपनी आई से कहा, माँ मुझे एक्टिंग नहीं करनी, मुझे सिर्फ गाना गाना है। बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे। गुजरे जमाने के मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर मास्टर गुलाम हैदर लता मंगेशकर को अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर्स के पास ले गए और कहा कि लता की आवाज सुनो एकदम अलग है। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। उस दौर के बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स ने लता मंगेशकर की आवाज को रिजेक्ट कर दिया। ये कहा कि इसकी आवाज बहुत पतली है, ये फिल्मी गानों के लिए नहीं बनी है। वो वक्त था जब मास्टर गुलाम हैदर ने ये कहा कि एक दिन लता की आवाज सर्वोच्च शिखर पर होगी और पूरी दुनिया लता की आवाज के आगे नतमस्तक होगी। उस दौर में कही हुई बात आगे जाके सच होगी ये किसी ने भी नहीं सोचा था। जैसा कि कहा जाता है कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लता मंगेशकर भी कोशिश करती रहीं और धीरे धीरे नए उभरते म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ उन्हें काम करने का मौका मिला, जैसे नौशाद साहब, शंकर जयकिशन, और फिर तो पलट के देखने की जरूरत लता मंगेशकर को कभी पड़ी ही नहीं। एक तरफ बड़े बैनर्स लता की आवाज चाहते थे तो दूसरी तरफ बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स सिर्फ लता मंगेशकर के साथ ही काम करना चाहते थे, चाहे वो दादा बर्मन हो या फिर मदन मोहन। पाप की आँखों
लता मंगेशकर की आवाज का सिक्का यूं जमा कि आने वाले तमाम म्यूजिक डायरेक्टर्स अपने पहले गाने के लिए लता मंगेशकर की ही आवाज चाहते थे, जिनमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आर डी बर्मन का नाम सबसे पहले आता है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का तो ये कहना है कि अगर लता मंगेशकर पुरुष की आवाज में गा सकती होती तो वो तमाम गाने लता मंगेशकर से ही गवाते। हमारा इरादा तो कुछ भी न था, तुम्हारी खता खुद सजा हो गई। शास्त्रीय संगीत के उस्तादों को भी लता मंगेशकर की आवाज ने खासा मुतासिर किया। बड़े गुलाम अली खां का तो ये कहना था कि कमबख्त गलती से भी बेसुरा नहीं गाती। तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया मेरा साया। फिल्म संगीत में एक दौर ऐसा था जहां पे पुरुष गायकी के लिए ढेर से विकल्प थे, मोहम्मद रफी, मन्ना डे, तलत महमूद, हेमंत कुमार या फिर किशोर कुमार, लेकिन फीमेल प्लेबैक सिंगिंग में लता मंगेशकर का कोई सानी ना था। मंगेशकर के संगीत के सफर में ये बात भी सामने आई कि उनका झगड़ा बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स और सिंगर्स के साथ भी हुआ। लता मंगेशकर ने रॉयल्टी का इशू उठाया और ये कहा कि प्रोड्यूसर्स को सिंगर्स को भी रॉयल्टी देनी चाहिए। हालांकि उस दौर के दूसरे सिंगर्स इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते थे, लेकिन लता मंगेशकर अपनी बात पे अड़ी रही और राज कपूर जैसे बड़े बैनर के लिए भी लता जी ने गाने से मना कर दिया। सोने भी नहीं देता मौसम का ये इशारा। बदलते जमाने में जहां गायक और गायिकाएं पिछड़ते जा रहे थे, वहीं लता मंगेशकर की आवाज के नए आयाम सबके सामने आ रहे थे। यहां तक कि जो भी नई हीरोइन फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखती उसका पहला गाना लता मंगेशकर से ही गवाया जाता। लता मंगेशकर हिंदुस्तान की वो आवाज हैं जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के ढेर सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम किया, नौशाद साहब हो या फिर शंकर जयकिशन या सचिन देव बर्मन और आर डी बर्मन, मदन मोहन और रोशन साहब की धुनों को कौन भूल सकता है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हो या फिर उभरते दौर के म्यूजिक डायरेक्टर्स जतिन ललित और आज के दौर के दिग्गज एआर रहमान, इन सभी म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ लता मंगेशकर ने पुरजोर काम किया। कह सका वही राज दिल कहने की रात आई। दुनिया ने लता मंगेशकर को और भी कई नाम दिए, किसी ने कहा आठवां सुर तो किसी ने स्वर सम्राज्ञी, और प्यार से फिल्म इंडस्ट्री के लोग उन्हें लता दीदी कहते हैं, और भारत सरकार ने भी लता मंगेशकर को भारत रत्न से सम्मानित किया। तेरे बिना जिया जाए ना, तेरे बिना जिया जाए ना, बिन तेरे तेरे बिन साजना, सांस में सांस आए ना। All the love from all of us, हम सब उनके fans हैं, she is a legend और उनके गाने जो हैं वो हमेशा यादगार रहेंगे। All our prayers and all our best wishes are with her। हम तो चाहेंगे कि उनका बर्थडे हर रोज़ मनाया जाए, कि इतनी बड़ी शख्सियत का जन्मदिन साल में एक बार मनाया जाए तो काफ़ी नहीं होता। So all the best for her and I think
उनके स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा ईश्वर से दुआ करेंगे। मैं सबसे पहले दीदी को बोलना चाहूँगा, लता जी को, क्योंकि मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि मैंने उनके साथ काम किया, और इसलिए मेरे दिल में उनके प्रति बहुत रिस्पेक्ट है, और मैं उनको साक्षात सरस्वती, वो तो सरस्वती का अवतार है, कि मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ बहुत बहुत लंबी उम्र दें और भी बहुत स्वस्थ रहें, और हम सबको और भी गाना गाकर छुपा कर मेरी आँखों को वो पूछे कौन है जी।